हाय माय डियर स्टूडेंट, आप क्लास हाई स्कूल एंटर। प्यारे बच्चों, नरेशन ग्रामर का एक ऐसा अंश है जो हाई स्कूल में भी आता है और इंटर में भी आता है, और इंटर के बच्चे हाई स्कूल में नरेशन को पढ़ चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ पढ़ते चलिए। तो सबसे पहले बात यह है कि नरेशन है क्या, ठीक ना? नरेशन क्या है बेटा? अगर हम रिप्लाई करें तो नरेशन को कहा जाता है कथन, स्टेटमेंट। क्या कहा जाता बेटा? कथन या स्टेटमेंट, किसी वक्ता के द्वारा कहे गए भावपूर्ण वाक्य को कथन कहा जाता है। नरेशन कहा जाता है किसी वक्ता या स्पीकर के द्वारा कहे गए भावपूर्ण वाक्य को कथन कहा जाता है। भावपूर्ण वाक्य को जैसे कहा जाए कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ, तो बेटा यह एक स्टेटमेंट है, यह एक कथन है। बात समझ में आई? जैसे बात क्लियर हो रही ना बेटा? तो जो आपके नरेशन है इनके दो भाग हैं। नरेशन के दो भाग हैं। पहला भाग है डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा भाग है इनडायरेक्ट नरेशन। बेटा पहला भाग है, कहने का मतलब जो है वो नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। बात समझ में आई बेटा? नरेशन का मतलब कथन होता है। कथन वे चीजें होती हैं जो किसी स्पीकर के साथ भाव को व्यक्त करने के लिए कही जाती हैं, जैसे हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ, महात्मा गांधी जी को गोली से मार दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये सब हमारे स्टेटमेंट हैं, ये सब नरेशन हैं, ये सब कथन हैं। बेटा नरेशन को दो भागों में बांटा गया, या नरेशन के दो प्रकार हो गए, एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। तो नोट करिएगा, डायरेक्ट नरेशन बेटा वक्ता के द्वारा कथन को ज्यों का त्यों उसी प्रकार से कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। बात समझ में? वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों उसी प्रकार से कहना
डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण लिखिएगा कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मुंबई। He said to me, I am going to Mumbai. उसने मुझसे कहा कि मैं बंबई जा रहा हूं। ये बेटा किसी कोई वक्ता था, उसने ये बात कहा था और सुनने वाले व्यक्ति ने उसकी बात को वैसे का वैसे कह दिया जैसे कहा जाता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है बेटा, ये जो भाग है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। बात समझ में आई? इसे बेटा रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ये तथ्य आपको एकदम विदित होना चाहिए। और जो भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। क्योंकि हम जब अध्ययन करेंगे तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे तो आपको समझ जाना होगा कि वह भाग जो कामा से पहले लिखा गया है, रिपोर्टेड स्पीच अगर कहते हैं तो वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है वह रिपोर्टेड स्पीच होगा और जो बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा। क्लियर हुआ? इसमें आपको एक ज्ञान हो जाना चाहिए कि ही अर्थात वर्ब से पहले का भाग रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और सेड आपका वर्ब है। ठीक है ना? टू और मी आपका ऑब्जेक्ट है और टू एक प्रीपोजिशन है जो संबंध को प्रकट कर रहा है। क्लियर हुआ बेटा? ये इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत अंदर पहुंचते हैं तो आई सब्जेक्ट होगा, आई एम गोइंग आपका वर्ब होगा, जिससे कि टेंस की पहचान की जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए और आगे तब हम लोग बढ़ते हैं। ही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, शेड आपका वर्ब, टू प्रीपोजिशन, मी आपका ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तथ्य आपको विदित हो जाना चाहिए कि रिपोर्ट डायरेक्ट नरेशन में दो भाग होंगे, एक भाग रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा भाग रिपोर्टेड स्पीच। बेटा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है और रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखा गया होता है उसके बाद कॉमा लगा करके रिपोर्टिंग वर्ब भी लिखा जाता, रिपोर्टिंग वर्ब को लिख दिया जाता है। ऐसे उदाहरण आपको आपके पेपर तथा एक्सरसाइज दोनों में देखने को मिलेंगे। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच ऊपर मिटा देंगे। इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन, बेटा लिखिएगा, वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों, सॉरी वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को अपने शब्दों में अपने अनुसार अपने शब्दों में अपने अनुसार अपने हाव भाव से कहना
अपने हाव भाव से कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। बेटा इनडायरेक्ट नरेशन को अप्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट नरेशन को प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। सेम क्वेश्चन का हम इनडायरेक्ट बनाएंगे बेटा। ही टोल्ड टू मी दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। ये आपका इनडायरेक्ट रहा, कहीं पर ना कोई कामा ना इन्वर्टेड कामा। उसने मुझसे कहा कि वह बंबई जा रहा है। इस तथ्य को मैंने अपने आप में कहा क्योंकि वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को अपने शब्दों में अपने अनुसार अपने हाव भाव से कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ही टोल्ड टू मी दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। क्लियर। अब हम मिटाएंगे डायरेक्ट नरेशन को और आगे देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की सामान्य नियम। चलिए हेडिंग डालिएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। बेटा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, पहला यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब जान रहे ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो, मैं गलत कुछ कह रहा हूं, यहां पर एक चीज और आप हेडिंग डाल लीजिए असर्टिव सेंटेंस। ये बेटा ध्यान होना चाहिए, हम लोग असर्टिव सेंटेंस बदल रहे हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम, कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो, है तो से को टेल में, सेस को टेल्स में, सेड को टोल्ड में, सेइंग को टेलिंग में बदल देते हैं। ठीक बेटा ना, बदल देते हैं। और नोट, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो से, सेस, सेड, सेइंग में कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। ठीक है ना, ये पहला नियम रहा। और दूसरा नियम ऊपर मिटा दें, सेकेंड रूल है बेटा कामा और, इनवर्टेड कामा है। को हटाकर कंजंक्शन दैट,
का प्रयोग करते हैं? बेटा असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है, जहां कामा और इन्वर्टेड कामा है उसे हटा देंगे और वहां पर कंजंक्शन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, अंडरस्टैंड। और तीसरी रिपोर्टेड स्पीच से प्रीपोजिशन टू को हटा दें। क्या करेंगे, प्रीपोजिशन टू को हटा देंगे, ठीक ना। ये आपके सामान्य परिवर्तन रहे। अब इसके पश्चात हम लोग असर्टिव सेंटेंस में ही पढ़ेंगे। आप हेडिंग डाल लीजिएगा टेंस से संबंधित परिवर्तन। और यहीं पर छोड़ दीजिए, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे और नरेशन कंप्लीट करते हैं इसी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बेटा मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर को सब्सक्राइब करते रहिए, जो नए बच्चे हैं लाइक करते रहें और शेयर करते रहें।